चावल की बिरयानी से बोर हो जाएंगे तो मटन सेमिया बिरयानी ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत आसान है। आप भी परफेक्ट से रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि बिना डाउट के आप भी बना सके। रेसिपी देखने के बाद अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हम अपलोड करके तो वीडियो सबसे पहले देख सके। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। देखेंगे 300 ग्राम मटन ले लेंगे। मटन को अच्छा सा क्लीन करके छन्नी में डाल के एक्स्ट्रा वाटर निकाल लीजिए। मटन के पीस मीडियम रहना चाहिए। 2 कप सेमिया ले लेंगे। ये मेजरमेंट कप से 2 कप सेमिया है। 2 मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज, प्याज को इसी तरह काट लेंगे। 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा पुदीना, आधा नींबू, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का पीस, 3 से 4 लौंग, 2 से 3 इलायची, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। आप तीखा ज़्यादा पसंद करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून घी। आप घी नहीं डालना चाहे तो 4 टेबलस्पून ऑयल ले लीजिए। स्वाद अनुसार नमक। इसे कैसे बनाते हैं देखेंगे। फर्स्ट एक पैन ले लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। पैन गर्म होने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ये ऑयल गर्म होने के बाद इसमें सेमिया ऐड कर देंगे। सेमियों को फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक, चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर रख के फ्राई कर लेंगे। को लगातार चलाते रहना है नहीं तो ये जल जाएंगे। देखो ये कलर चेंज हो गए ही। गैस को ऑफ करके एक प्लेट में निकाल देंगे। ये पैन में ही रखेंगे तो जल जाएंगे, इसलिए प्लेट में निकाल के अलग से रख देंगे। अब एक कुकर ले लेंगे, गैस को ऑन करके कुकर को गर्म कर देंगे। कुकर गर्म होने के बाद इसमें ऑयल घी डाल देंगे। घी ऑयल को गरम कर देंगे। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं घी, घी डालने से इसका स्वाद अच्छा सा रहेगा। ऑयल गरम होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, हल्का सा फ्राई कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कटी हुई प्याज। प्याज को डाल के लगातार चलाते हुए मीडियम या हाई फ्लेम पे रख के गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज को फ्राई कर देंगे। चलाते ही रहना है नहीं तो जल जाएगी प्याज। देखो एक गोल्डन ब्राउन कलर आ गई है प्याज। अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को डाल के अच्छा सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक, मीडियम या हाई फ्लेम पे रख के चलाते हुए। ये भी फ्राई हो जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे मटन। मटन को डाल के और इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अब चाहे तो मटन थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब ऐड कर देंगे 1 कटे हुए टमाटर, पुदीना, हरी मिर्च और ये मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी सब डाल देंगे और ये नींबू का जूस डाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे। ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। पानी डाल के दोबारा से मिक्स कर देंगे। वे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब ढक के मटन को पकाएंगे। ढक देंगे 4 से 5 विजिल्स आने तक मीडियम फ्लेम पर रख के मटन को पकाएंगे। 5 विजिल्स आ गई ही। अब गैस को ऑफ करके ठंडा होने तक रख देंगे। आपको जल्दी ही चाहे तो प्रेशर निकाल दीजिए। प्रेशर जाने के बाद ढक्कन को निकाल लीजिए। देखो ठंडा हो गया है। अब ये ढक्कन निकाल देंगे और चेक कर लेंगे मटन पका हुआ या नहीं। एक तो मटन पक गया है, आपका मटन नहीं पका हो तो और 2-3 विजिल्स रख के पका लीजिए। सब मटन अलग अलग टाइम से पकते हैं, थोड़े जल्दी ही पक जाएगा मटन
थोड़े मटन नहीं पकेंगे, इसलिए अपने हिसाब से देख के मटन को नहीं पका हो तो पका लीजिए। इसमें पानी है ज़्यादा, इसलिए गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रख के पानी पूरा ड्राई होने तक पकाऊंगे बीच बीच में चलाते हुए। देखो अभी ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे एक कटी हुई धनिया पत्ता, बार मिक्स कर देंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, 2 कप पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा ड्राई होने की ज़रूरत नहीं, बस इतना होगा तो चलेगा। 2 कप पानी डाल रही हूँ, 2 कप सेमियाँ ले ली हूँ इसलिए 2 कप पानी ऐड कर देंगे। एक कप सेमियाओं को 1 कप पानी डाल देंगे। अच्छा सा मिक्स कर देंगे, एक बार चख के देख लीजिए, नमक कम होगा तो अब ऐड कर लीजिए। मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, देख के डाल लीजिए क्योंकि हम मटन में भी नमक डाल के ही पकाए हैं, इसलिए नमक डालने के बाद एक बार मिक्स कर देंगे और ये अच्छा सा गर्म होने देंगे। पानी को अच्छा पकना है। देखो इसी तरह पकने के टाइम ही सेमियाँ ऐड कर देंगे, फ्राई करके रखे हुए। पानी ठंडा होने के टाइम सेमियाँ मत डालिए नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए अच्छा सा पानी गर्म होने के बाद ही इसमें सेमियाँ ऐड कर देंगे। सेमियाँ ऐड करके अब मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को हाई पे ही रख लीजिए, हाई पे रख के ही पकाएंगे ये ड्राई होने तक, ये पूरा पानी अब्जॉर्ब होने तक पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहिए, और चाहे तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून जितना बिरयानी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा सा लगेगा। ये देखो ये ड्राई हो गया है, बस इतना चाहिए। अब गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए, ढक्कन लगा देंगे, लो फ्लेम पे रख के 1 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक ही पकाएंगे। 1 मिनट के बाद गैस के फ्लेम को हाई कर दीजिए, 2-3 सेकंड रख के गैस को बंद कर दीजिए और ठंडा होने तक छोड़ दीजिए। ठंडा हो गया है, निकाल देंगे ढक्कन को। देखो अच्छा सा पक गए ही और अच्छा सा गर्म ही है, थोड़ा ठंडा हो जाएंगे तो सेमियाँ अच्छा सा खिले खिले हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद एक मिक्सिंग बाउल में या प्लेट में निकाल देंगे। देखो थोड़ा ठंडा होने के बाद सेमियाँ थोड़ा सा खिले हो जाएंगे, एक प्लेट में निकाल दी हूँ मैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। बन गई है टेस्टी मटन सेमिया बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बनती है और आसानी से बना सकते हैं। टाइम भी ज़्यादा मटन पकने के लिए लगेगा, सेमिया तो जल्दी ही पक जाएंगे। ज़रूर ट्राई करके देखिए, ट्राई करके रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।